नमस्कार, माइंड गुरु इंडिया .com से संजीव मलिक। ये ऑडियो वेरी सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन की सीरीज है। इससे पहले अगर आपने ब्रीदिंग मेडिटेशन के बारे में थ्योरी पार्ट नहीं सुना तो इससे पिछले ऑडियो को आप जरूर सुने, उसके बाद इस प्रैक्टिकल में गाइडेड मेडिटेशन में आप आए। तो अब गाइडेड मेडिटेशन शुरू करते हैं। एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, धरती से लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती हुई पीठ सीधा रखने से हमारी प्राण शक्ति का प्रवाह बेहतर तरीके से होता है। जमीन पर बैठें या कुर्सी पर या बिस्तर पर, जहां भी आपको सुविधा हो बैठ सकते हैं। आंखें धीमे से बंद हो जाने दें और अब अपना ध्यान श्वास पर लेकर आएं। देखें श्वास की गति कैसी चल रही है। श्वास नाक से अंदर आती है, गले से, छाती से, पेट से होती हुई नाभि तक जा रही है, ऐसा महसूस करें। इसी तरह वापसी में नाभि से होती हुई पेट से, छाती से, गले से होती हुई नाक के जरिए बाहर आ रही है। तो श्वास की गति के साथ साथ अपने मन को भी भीतर या बाहर करना है। श्वास भीतर आई तो ध्यान भीतर आए, श्वास बाहर गई तो ध्यान बाहर जाए।
चुपचाप मन के अंदर के विचारों को इग्नोर करते हुए, उन पर ध्यान न देते हुए, केवल श्वासों को देखते रहें। श्वास में गहराई लाएं और पूरी तरह नाभि तक पहुंचते हुए महसूस करें। जब सांस अंदर आएगी तो पेट फूलेगा, उसे महसूस करें। श्वास वापस चलने लगे, उसे भी महसूस करें। धीमी गति से छाती तक आए, गले तक आए, मुंह तक, नाक से बाहर आए, महसूस करें और अपने ध्यान को पूरी तरह श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास अंदर तो ध्यान अंदर, श्वास बाहर तो ध्यान बाहर। एक भी श्वास आपकी ध्यान में आए बगैर अंदर ना आए और एक भी श्वास आपकी जानकारी में आए बगैर बाहर ना जाए।
एक एक श्वास के प्रति होश, अवेयरनेस, पूरी तरह होश। मन बीच बीच में इधर उधर भागेगा, कुछ विचार पैदा होंगे, अगर आपको मन भटका देता है जैसे ही याद आए तुरंत ध्यान को श्वास पर ले आए, एक एक श्वास में होश। गहराई, लयबद्धता, श्वासें बिल्कुल जैसे म्यूजिक बजता है, सॉफ्ट म्यूजिक, श्वासों की सरगम भी उसी प्रकार सहज रूप से चलती रहे और आप गौर से देखते रहे, जितनी ज्यादा अवेयरनेस या होश होगा उतना उतना मन में शांति छाने लगेगी। एक भी श्वास आपकी ध्यान में आए बगैर अंदर ना आए और एक भी श्वास आपकी जानकारी में आए बगैर बाहर ना जाए, एक एक श्वास के प्रति होश, अवेयरनेस, पूरी तरह होश।
मन बीच बीच में इधर उधर भागेगा, कुछ विचार पैदा होंगे, अगर आपको मन भटका देता है, जैसे ही याद आए तुरंत ध्यान को श्वास पर ले आए, एक-एक श्वास में होश, गहराई, लयबद्धता, श्वासें बिल्कुल जैसे म्यूजिक बजता है, सॉफ्ट म्यूजिक, श्वासों की सरगम भी उसी प्रकार सहज रूप से चलती रहे और आप गौर से देखते रहे। जितनी ज्यादा अवेयरनेस या होश होगा, उतना उतना मन में शांति छाने लगेगी। भीतर से आनंद प्रकट होने लगेगा। होश में रहें, फिर से अपनी सांसों रूपी धन को संभाल लें। मानो एक एक श्वास अनमोल हीरा है और उस हीरे को आप संभाल संभाल कर रख रहे हैं। आपका ध्यान तिजोरी है, ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, होश पूर्वक।
होश बना रहे, एक एक श्वास में होश। एक एक श्वास में ध्यान खो न जाए, ध्यान पूर्वक। हर श्वास के साथ ध्यान भीतर आए, हर श्वास के साथ ध्यान बाहर जाए। एक अनूठी शांति मन में छाने लगी है। मन को एक गहन विश्राम वाली अवस्था मिलने लगी है। श्वासें लयबद्ध होने लगी हैं। इस मस्ती में टिकें, लेकिन सांसों पर अपना कंट्रोल खोना नहीं। एक एक सांस में होश। एक एक श्वास में होश। ध्यान पूर्वक बड़ी गहराई से बड़ी लयबद्धता से
हर श्वास की संभाल करनी है। एक भी श्वास होश के बिना भीतर न जाए, एक भी श्वास होश के बिना बाहर न जाए। भीतर एक अनुपम आनंद घटित हो रहा है, शांति मिली है। इस अपार शांति के लिए, खुशी के लिए परमात्मा का, अल्लाह भगवान गॉड का शुक्राना करें, दिल से धन्यवाद दें। ये जो शांति अब मिली है, सदा ऐसी ही शांति मेरे मन में व्याप्त रहे और इसके बाद मेडिटेशन खत्म होने के बाद भी श्वासों पर मेरा होश, मेरा ध्यान बना रहे। धन्यवाद। mindguruindia.com से संजीव मलिक हाथ जोड़कर शुक्राना करते हुए इस ऑडियो को यहीं फिनिश करता हूँ।